जाफर नाश्ता लगवा दूं आपके लिए? हाँ लगवा दूं। हया 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 मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर इतनी देर से अंदर क्या कर रही है। बाहर आ जाएगी तो पता चल जाएगा। काश मेरा शक दुरुस्त हो। अल्लाह हमारी मुरादें पूरी कर दे, झोलियां भर दे हमारी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं। हद बहुत मुबारक हो पुप्पी अम्मा, आप दादी बनने वाली हैं। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। उन्हें वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए थे, मैंने विटामिंस लिख दी हैं, आप उन्हें प्रॉपर देती रहें और उनकी डाइट का खास ख्याल रखें। जी जरूर। रेशम ड्राइवर को बुलाओ, उससे कहो कि डॉक्टर साहिबा को क्लिनिक पहुँचवा दें। थैंक यू। शुक्रिया जी। आज मैं बहुत खुश हूं जाफर। शहीर के बाद कितने अकेले रह गए थे तुम ना। देखो देखो अल्लाह ने हमें जीने की कैसी उम्मीद दी है, कैसी हमारी मुराद भर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करूं। बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। जाओ हया से मिलो। ये नसीम को देंगे ड्राइवर ले आ जाके। हाँ आखिर पुप्पी अम्मा का प्लान काम कर ही गया, उनकी दिली मुराद पूरी हो ही गई। अब बस जल्द से जल्द मैमूना भाभी भी आ जाए। रेशम जरा देर को इस मोबाइल से बाहर आ जाओ, परवीन को और रमजान को बुलाओ, मीठा मंगवाओ, तकसीम करवाओ। जी बिल्कुल। और सुनो ये विटामिन्स मंगवा लेना। अम्मा का दिल खुश कर दिया तुमने, बहुत खुश हैं तुमसे। सच पूछूं तो इतने दिन के बाद मैंने उनको इस तरह से मुस्कुराते हुए देखा। आप खुश नहीं हैं? सच कहूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूं या मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। जानती हो शुरू से ही मैं
बहुत सारी चीजों में उलझा रहा। कभी सोचा नहीं था, गुमान ही किया था कि मैं भी बाप बन जाऊं, पर आज तुमने जब ये खुशी दी है तो मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं मुकम्मल हो रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेमुना, आप कब आई? ये तुम्हारे साथ कहां से आ रही? वो भी इस कदर तैयारी के साथ? जाफर, क्या चल रहा है? ये चुप क्यों हो? बताओ मुझे, ये तुम्हारे साथ कहां से आ रही है, वो भी इतनी बन ठन कर? जाफर, हया को लेकर अंदर जाओ। ऐसे कैसे जाएगी ये जाफर के कमरे में? इसे तो मैं अभी निकालती हूं। बस बस, तुम्हारे भाइयों का घर नहीं है, मेरा घर है। रेहम, मेरा हुक्म चलता है। जाओ तो, मैं आता हूं। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे बहाने से गांव भेज दी और मेरे पीछे से जाफर ने हया को बीवी के तौर पर तस्लीम कर लिया। आप मां बेटे ने मिलकर मुझे धोखा दिया, हक तलफी की है मेरी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेमुना, तुम जानती हो इस घर में और हम लोगों के लिए तुम्हारा क्या मकाम है। यकीन रखो इस बात पे कि तुम हमें उससे ज्यादा अजीज हो। ऐसी बात है तो फिर अभी निकालें उसे जाफर के कमरे से। हालात की नजाकत को समझो मेमुना, अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं रहा? चार दिन में ऐसा कौन सा जादू चला दिया उसने आप पर? हया मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल कट जाता है। बस रहने दे अम्मा। आपको अगर मेरी इतनी परवाह होती तो मेरे पीठ पीछे साजिश ना रह जाती। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया? उस कम हैसियत लड़की को घर की मालकिन बना दिया। आखिर किस चीज का इंतकाम लिया है आपने मुझसे? देखो मेमुना, तुमसे इस घर की कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। शहीर के बाद कितना अकेला पड़ गया था मेरा जाफर,
तो फिर कौन था जो ये सब संभालता, हमारी नस्ल को आगे बढ़ाता? अपने और जाफर के बीच की दूरी से तुम वाकिफ हो। अगर तुम दोनों में ये फासला ना होता तो मैं हया का सहारा कभी नहीं लेती। बच्चा इस घर के लिए, इस खानदान के लिए जरूरी है। कभी तुमने जाफर के बारे में सोचा? कभी उसके जज्बात समझने की कोशिश की? पूरी जिंदगी उसने खानदानी मजबूरियों के तले काट ली। अपने लिए तो मेरा बच्चा जिया ही नहीं। अरमान, अगर तुम्हारे मारे गए हैं तो ज्यादती जाफर के साथ भी हुई है। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसका नाम आगे बढ़े, उसकी खानदानी शनाख्त बरकरार रहे। अब अगर मेरे बच्चे को अपने लिए एक खुशी मयसर आ रही है तो खुदा के लिए उसे अपनी खुदगर्जी की भेंट मत चढ़ाओ, बर्बाद मत करो उसे। ये मेरी दरख्वास्त है तुमसे। से नई खुशी मिली है, तुम और भी हसीन हो गए।